वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कश्मीर समस्या के साथ खिलवाड़। चिदंबरम के आजादी वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने भी किया पलटवार, कहा चिदंबरम करना चाहते हैं भारत के टुकड़े। पी चिदंबरम ने कश्मीर पर केंद्र की नीति को लेकर उठाए थे सवाल, कहा वहां के अधिकतर लोग आजादी नहीं स्वायत्तता चाहते हैं। गुजरात चुनाव की सुर्खियों में नया मोड़, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम, 3 नवंबर तक आरक्षण पर रुख साफ करने का दिया अल्टीमेटम, यानी 3 नवंबर से पहले करेंगे स्टैंड साफ। आज पीएम मोदी फिर करेंगे देश से मन की बात, ताजा मुद्दों पर जनता के सामने रखेंगे अपनी राय। उत्तर के बाद पीएम मोदी ने किया दक्षिण का रुख, कांग्रेस शासित कर्नाटक में आज मोदी का दौरा। मोदी कर्नाटक में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, रैली से पहले मंजुनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे भगवान के दर्शन। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाएगी अपना दम, श्रीनगर में फारूक और उमर अब्दुल्ला की महारैली आज। चुनाव से पहले कांग्रेसी नेता शक्ति सिंह गोहिल ने एक बार फिर बीजेपी पर साधा निशाना, चुनावी सामग्री चाइना से इंपोर्ट करने पर उठाए सवाल, पेश की बिल की कॉपी। श्री श्री रविशंकर के मध्यस्थ बनाने के दावों के बीच अयोध्या मसले पर सीएम योगी से दोनों पक्षों को काफी उम्मीद, कहा उनकी पहले से बन जाएगी बात। दिल्ली में फिर आएगा ऑड इवन का मौसम, केजरीवाल सरकार जुटी ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में, ट्रांसपोर्ट मंत्री का खुलासा। ताजमहल के विवादित बयान पर ओवैसी ने योगी सरकार पर किया तंज, फिरोजाबाद की एक रैली में कहा सीएम बोलते हैं ताज हमारी संस्कृति, एमएलए बोलते हैं देश बर्दाश्त। मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर दिखी एमएनएस नेताओं की गुंडागर्दी, सड़क किनारे ठेले और रेहड़ी वालों को बनाया अपना निशाना। ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार विनोद वर्मा ट्रांजिट रिमांड पर पहुंचे रायपुर, रायपुर के माना पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू। यूपी के गोंडा में दर्दनाक हादसा, मंत्री के काफिले ने 6 साल के मासूम को रौंदा। बच्चे के पिता के मुताबिक गाड़ी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की, पुलिस ने बिना नाम के दर्ज की शिकायत। बिहार के शिवहर में ऑर्केस्ट्रा में चली गोली, एक बच्ची की मौत, एक जख्मी, गांव के मुखिया पर गोली चलाने का आरोप, मुखिया फरार। यूपी के हाथरस में एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, आपसी रंजिश में गांव के दबंगों ने पीट पीट कर मार डाला। पंजाब के लुधियाना में दिखा हैरतअंगेज नजारा, 11वीं के छात्र ने अपने दोस्त पर किया जानलेवा हमला, डंडों से की धुनाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज करो या मरो का मुकाबला, कानपुर के ग्रीन पार्क में 3रा वनडे आज। इंग्लैंड ने जीता फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब, फाइनल में स्पेन को 5-2 से हराया। नॉर्थ कोरिया से जारी तनाव के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति पेंस पहुंचे, एयरफोर्स बेस सैनिकों से तैयार रहने को कहा। अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस की उत्तर कोरिया को चेतावनी, परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर होगी व्यापक सैन्य कार्रवाई। सोमालिया की राजधानी मोगदिशु में 2 आत्मघाती हमलों में 7 लोगों की मौत, आतंकी गुट अल शबाब ने ली जिम्मेदारी।